बीजेपी की प्रचंड जीत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान आया है। केंद्र की योजनाओं पर लोगों ने मुहर लगाई है, वीरेंद्र सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की योजनाओं से गरीबों को बहुत फायदा हुआ है, गरीब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और तभी बीजेपी जीती है। कोरोना काल में भी केंद्र सरकार ने लोगों की मदद की थी, उसको भी ध्यान में रखा गया। हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की उन्होंने, जिस दौरान ये तमाम बातें कही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने और क्या कुछ कहा है हरियाणा न्यूज से, आपको सुनाते हैं। देखिए, जीत तो हुई है और काउ बेल्ट में तो अब आप ये मान के चलें कि बिहार को छोड़ के और बाकी तो सारे बीजेपी के राज्य बन गए और जीत का जो गणित था उस गणित के हिसाब से भी कहीं बिल्कुल उलट परिणाम आए हैं। चाहे पत्रकारिता के माध्यम से लगा लो, ये लोगों की चर्चाओं में लगा लो कि छत्तीसगढ़ तो पक्का ही कांग्रेस रिपीट करेगी और जिसमें सबसे बड़ी हार हुई है उसमें भी कहते थे कि मध्य प्रदेश में तो कमल तो नहीं कमलनाथ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उल्ट क्यों हुई, ये मैं थोड़ा बहुत अपने राजनीतिक अनुभव से मानता हूँ कि दो नई चीज़ें पैदा हुई हैं इस चुनाव में और उसका आगे भी असर पड़ेगा और उसका पीछे भी असर रहा। यूपी का चुनाव जब हुआ आज से साल डेढ़ साल पहले, तब यही था कि जितना भी विपक्ष था वो जातीय आधार पे अपनी मतगणना करता था कि हमारा 47% से ज़्यादा तो जातीय आधार पे मजबूत है, लेकिन परिणाम उसके उलट आए और उलट आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 80 लाख परिवारों को पिछले एक डेढ़ साल से जो राशन मिल रहा था वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया, बेनिफिशरी, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी ने बिना किसी जाति के बिना किसी धर्म के दृष्टिकोण के सब ने ये मान के कि हम इस समय में जब कोरोना का समय था हमारे को मदद की, जिसने हमारे को उसका वोट देना चाहिए।